तो अब ऑफिस का लंच ब्रेक सिर्फ चाय और बिस्किट के लिए नहीं रहेगा, काम के दौरान काम। रूस में ब्रेक टाइम का मतलब कुछ और ही हो गया है। पुतिन का यह सुझाव सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आपने ऑफिस में काम करने के अलग अलग तरीके सुने होंगे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रूस की गिरती हुई जनसंख्या को लेकर पुतिन ने एक ऐसा सुझाव दिया है जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुतिन का कहना है कि अब रूसी नागरिक अपने ऑफिस में लंच ब्रेक और कॉफी ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ काम से ब्रेक लेने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। जी हां, पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया है कि देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लोग काम के दौरान काम करें। अब सोचिए, आप अपने काम में डूबे हैं, बॉस सामने से गुजर रहा है और आपसे कह रहा है ये फाइल बाद में देख लेना, पहले जनसंख्या का टारगेट पूरा करो। पुतिन ने इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है और कहा है कि देश का भविष्य इस बात पर टिका है कि रूसी नागरिक कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं। मतलब अब सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि परिवार भी बढ़ने चाहिए। लेकिन इसके पीछे कई वजहें हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब रूस में फर्टिलिटी रेट घटकर करीब 1.5 बच्चे प्रति महिला पर आ गई है, जबकि जनसंख्या की स्थिरता के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना जरूरी है। और तो और, रूस की जनसंख्या साल 2050 तक 144 मिलियन से घटकर 130 मिलियन तक होने का अनुमान है। रूस ने 2024 के शुरुआती 6 महीनों में 25 साल में सबसे कम जन्म दर दर्ज की है। इस महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में पहली बार 1,00,000 से भी कम बच्चे पैदा हुए, जो बहुत बड़ी गिरावट है। जनवरी से जून 2024 के बीच रूस में कुल 5,99,600 बच्चे पैदा हुए, जो 2023 की इसी अवधि से 16,000 कम है। इतना ही नहीं, रूस की जनसंख्या घटने की एक और वजह है यूक्रेन के साथ जारी युद्ध। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण 10,00,000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर जवान, रूस से बाहर चले गए हैं। और सिर्फ पुतिन ही नहीं, उनके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी शेस्तोपालोव भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। मंत्री जी का कहना है कि काम की व्यस्तता कोई बहाना नहीं है, लंच ब्रेक में भी आप परिवार बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से बीतता है। मतलब अब रूसियों का लंच ब्रेक कुछ और ही तरह का हो सकता है। और तो और, मॉस्को में 18 से 40 साल तक की महिलाओं के लिए फ्री फर्टिलिटी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ताकि ये तय हो सके कि वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहां तक कि ऑफिसों में बर्थ रेट मॉनिटर करने का भी प्लान है। यानी अब रूस के ऑफिसेस में बॉस सिर्फ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी गिनेंगे। रूस की सांसद तात्याना बुत्स्काया ने तो इसके लिए बाकायदा एक प्लान भी तैयार कर लिया है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें एम्प्लॉयर से कहा गया है कि वे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के जन्म पर नजर रखें और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी करें। उनका कहना है कि हर एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कप्लेस पर देखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज में जन्म दर क्या है। क्या इस साल उनके यहां काम करने वाले हर उस एम्प्लॉय से जो बच्चे पैदा कर सकता है एक और बच्चा हुआ है या नहीं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि रीजनल गवर्नर्स को भी अपने इलाकों में जन्म दर के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस के चेल्याबिंस्क में अगर कोई महिला 24 साल की उम्र से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 8,500 पाउंड यानी 8,00,000 रुपए से ज्यादा का इनाम मिल रहा है। इसके अलावा एबॉर्शन पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, पब्लिक फिगर्स और धार्मिक नेताओं का कहना है कि महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पैदा करें और पालें। यहां तक कि रूस में तलाक की फीस भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग परिवार को छोड़ने के बजाय उन्हें बढ़ाने पर ध्यान दें। रूस की सांसद अन्ना कुज़नेत्सोवा का कहना है कि महिलाओं को 19-20 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए ताकि एक परिवार में 3-4 या उससे ज्यादा बच्चे हो सकें। झाना रियाब्तसेवा ने तो साफ शब्दों में कहा है कि बच्चे पैदा करो और बार बार पैदा करो। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने रूस की गिरती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई है। पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने रूसी महिलाओं से अपील की थी कि वे कम से कम 8 बच्चे पैदा करें और बड़ा परिवार बनाने को एक नियम बना लें।
पुतिन ने कहा था कि हमें याद रखना चाहिए कि रूसी परिवारों में हमारी कई दादी और परदादियां 7-8 या उससे भी ज्यादा बच्चों को जन्म देती थीं। हालांकि पुतिन खुद जनसंख्या बढ़ाने की वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की सही संख्या कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताई। आधिकारिक रूप से उनकी दो बेटियां हैं, 39 साल की मारिया वोरोंत्सोवा और 37 साल की कतेरिना तिखोनोवा, जो उनकी पूर्व पत्नी ल्यूदमिला पुतिना से हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन के दो और बेटे भी हैं, जिनकी उम्र 9 और 5 साल है, जो उनकी लंबे समय से साथी पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना काबायेवा से हैं। बहरहाल, तो क्या आपको लगता है कि पुतिन का ये ब्रेक टाइम प्लान रूस की जनसंख्या बचा पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक अजीबोगरीब सुझाव बनकर रह जाएगा? हमें अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।